उसमें आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और 4 आरोपी आज यहाँ पर पेश किए जा रहे हैं और 1 आरोपी के संदर्भ में कार्रवाई की औलादित भी हो रही है। जहाँ तक गोवंश की बात है कि हत्या की घटनाएं हुई, लेकिन आपको बता दें इससे पहले इस वर्ष ही अब तक हम लोग 1500 जीवित गोवंश पकड़कर और इसमें लगभग 1 सैकड़ा से अधिक आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है, 0.5 सैकड़ा से अधिक बड़े वाहन जब्त किए हैं और सिवनी पुलिस लगातार इस संदर्भ में गंभीर कार्रवाई कर रही है। संभवतः आरोपियों ने पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए पुलिस के साथ जिस जिले में इस तरह की घटना की है ताकि जिले का सांप्रदायिक सौहार्द खराब हो सके, यही कारण है कि इस घटना के जो यहाँ के लिंक हैं उसमें से एक वाहिद और एक शादाब नाम के अपराधी के खिलाफ हमने एनएसए का प्रतिवेदन जिला कलेक्टर को पेश किया था जिसपे उनके खिलाफ एनएसए का वारंट हुआ, उनके खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की गई है। शेष अन्य आरोपियों के खिलाफ भी जो भी इसमें चिन्हित हो रहे हैं हम सबके खिलाफ न सिर्फ आईपीसी के तहत कार्रवाई करेंगे, अभी तो एनएसए में कार्रवाई करेंगे। अभी यहाँ की कोर्ट में 4 लोगों को पेश किया जा रहा है, बाकी अगर और गिरफ्तारियों होंगी तो उनको आज हम अन्य जगहों पर भी पेश करेंगे। हो सकते हैं बाहर के लोग, क्योंकि यहाँ पे जो भी आरोपी केस पकड़े गए हैं सिवनी में ऑलमोस्ट यहाँ पे लगभग आसपास के अमरावती, हैदराबाद, नागपुर सभी जगह के आरोपी समय समय पर गिरफ्तार होते रहते हैं, तो ये कहना कि सिर्फ यही के आरोपी हैं नहीं है, बाहर के भी आरोपी हो सकते हैं। इसमें संख्या बढ़ सकती है, हम एग्जैक्ट संख्या नहीं बता सकते, लेकिन 1 दर्जन आरोपी कम से कम इसमें चिन्हित है हमारे सामने। देखिए इसमें जो घटना हुई है पिछले 3 दिन के अंदर में, तो एक ही दिन ऑलमोस्ट हुई है, उस दिन को हम लोगों ने सारी 3 घटनाओं को चिन्हित कर लिया है और कुछ लोगों को गिरफ्तारी भी हो चुकी है जो है, और हम जो है इसमें से जुड़े जितने लोग होंगे वो सभी पर हम कार्रवाई करेंगे। कुछ लोग फरार हैं, कुछ लोग अभी हमारे रडार में हैं जिनको वेरीफाई कर रहे हैं, और हम इसमें एक भी व्यक्ति को छोड़ेंगे नहीं और उन कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। कुछ के खिलाफ हमने राष्ट्रपा की कार्रवाई भी किया हुआ है और भी जो लोग इसमें सीधे इन्वॉल्व मिलेंगे उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई होगी ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा पुनरावृत्ति न हो।